बारी है फिल्मी खबरनामा की। अब कम नजर आने वाली अभिनेत्री समीरा रेड्डी का कहना है कि वो कटरीना से पहले शादी करेंगी। इस पे पटना के ललन तिवारी का कहना है, करना ही पड़ेगा, आप में या कटरीनवा में डेट्स प्रॉब्लम है। उसको अपने फिल्म का डेट मैनेज करना पड़ता है और आपको अपने ब्याह का डेट तय करना है। सुनने में आया है कि सोनम कपूर जी अब बोल्ड अवतार में नजर आएंगे। ये नया है, दिस इज रियली न्यू। इससे पहले आपकी फिल्में बोल्ड अवतार में नजर आती थी, अब आप भी बोल्ड आ जाइए अभिनेता। सॉरी, आगे से कभी नहीं होगा। तुषार कपूर का कहना है कि मुझे एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है। इस बात पे ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड होने वाले चचा का कहना है, अरे यार, तो हर बार एक्सपेरिमेंट दर्शकों के साथ ही क्यों करते हो, कभी खुद के साथ भी कर लिया करो। जिस दिन अपनी फिल्म देख लोगे दर्द का पता चल जाएगा। खबर खबर नहीं, अभी तो दिल की खबर सुनाते हैं। भैया राजेंद्र अस्थाना साहब, आपका दिल क्या चाहता है हम अच्छी तरह जानते हैं। आपका दिल चाहता है एक स्पेशल गाना सुनना, तुम्हारा सुनिए ना, अपनी पसंद का ई गाना। अभिनेता शाहरुख खान का कहना है, हॉकी मेरा पसंदीदा खेल है। सुनिए, हॉकी आपका पसंदीदा खेल नहीं है, आपका पसंदीदा खेल दुईठो है, प्रमोशन और इमोशन। प्रमोशन के नाम पे आप अपने करियर से खेल रहे हैं और इमोशन के नाम पे दर्शकों के साथ। अरे कोई तो ढंग का फिल्म कर लो। बंगाली बाला बिपाशा बसु शादी रचाएंगी एक्टर हरमन बावेजा के साथ। इस पे चमेली चाची का कहना है, क्या चक्कर है, हमको तो लगता है तुम पैसा के चक्कर में ब्याह कर रही हो। हाउ मच योर राशि। खबर आई है कि दीपिका पादुकोण ने पहनाई शाहरुख खान को साड़ी। इस पे हमारे ललन चचा का कहना है, पहली बार किसी को साड़ी पहनाई है, नहीं तो इससे पहले सबको टोपी पहनाती थी। विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, तो रणबीर से, रणबीर से, युवराज से और सिद्धार्थ माल्या से पूछ लीजिए। अभी चलते हैं फिल्मी नगरिया और देखते हैं क्या है खबरिया। अभी वक्त हो चला है 3 कर्णप्रिय संगीत सुनने का, तो सुनिए गाना नंबर 17, 16 और 15।